आइए देखते हैं स्ट्रीम ड्रम में गेज ग्लास की चार्जिंग किस तरह से होती है। स्टीम ड्रम इसमें ठीक है, ये है स्टीम आइसोलेशन, ये है वाटर आइसोलेशन, ये है ड्रेन। उसी तरह से ये स्टीम आइसोलेशन, ये है वाटर आइसोलेशन, ये ड्रेन, और ये है गेज ग्लास। ठीक है, अब इसको चार्ज कैसे करेंगे। चार्ज करने के लिए सबसे पहले ये ड्रेन है वो ओपन होना चाहिए। ठीक है, चार्ज करने से पहले आइसोलेशन वाल्व और आइसोलेशन स्टीम आइसोलेशन वाल्व और वाटर आइसोलेशन वाल्व क्लोज होना चाहिए, और ये जो ड्रेन है ये सबसे पहले जो स्टीम है स्टीम और वाटर, स्टीम और वाटर का जो आइसोलेशन है ये क्लोज कंडीशन में होना चाहिए। ठीक है, क्लोज कंडीशन में होना चाहिए। दूसरा क्या होता है, ये जो ड्रेन है वो ओपन होना चाहिए। ड्रेन वॉल्व ओपन, ड्रेन वाल्व ओपन कंडीशन में होना चाहिए। अब क्या करेंगे, जो जो इसको ओपन करने के बाद जो स्टीम आइसोलेशन है उसको ओपन करेंगे पार्शियली। ठीक है, ओपन स्टीम आइसोलेशन वाल्व पार्शियली। ठीक है, उसके बाद जो ये इस ड्रेन को चेक करेंगे कि इसमें स्टीम ड्रेन हो रहा है कि नहीं। ठीक है, क्या करेंगे, चेक करेंगे स्टीम ड्रेनिंग को। ठीक है, आफ्टर ये ग्लास हीट होने लगेगा, तो हीट होने के बाद, ग्लास हीट होने के बाद क्या करेंगे, जो वाटर है वाटर आइसोलेशन है उसको हम पार्शियली ओपन कर देंगे। ठीक है, आफ्टर हीटिंग ऑफ ग्लास ओपन वाटर आइसोलेशन वाल पार्शियली। ठीक है, अब चेक करेंगे कि जो स्टीम और वाटर का मिक्सचर जो है वहाँ से ड्रेन हो रहा है कि नहीं। चेक करेंगे
स्टीम वाटर मिक्सचर। ड्रेनिंग हो रहा है कि नहीं? ठीक है, ड्रेनिंग हो रहा है। उसके बाद क्या करेंगे, जो ड्रेन वाल है उसको धीरे से बंद कर देंगे, क्लोज ड्रेन वाल। स्लोली, ठीक है, ड्रेन वाल को धीरे से बंद कर देंगे। उसके बाद जो वाटर लेवल है उसको ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे वाटर लेवल को किसी के ग्लास में, वाटर की लेवल को ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, वाटर की लेवल को ऑब्जर्व करने के बाद जो स्टीम आइसोलेशन है एयर वाटर आइसोलेशन है वो उसको पूरा ओपन कर देंगे। ठीक है, ओपन स्टीम एंड वाटर आइसोलेशन वॉल। जो स्टीम और वाटर का जो आइसोलेशन है उसको ओपन कर देंगे फुल्ली। ठीक है, तो इस तरह से गेज ग्लास को चार्ज किया जाता है।